Welcome back to my new video. Today I'm going to show you how to remove any object from the photo on Photoshop. So welcome back my channel NAF Creative. So we have a full picture. मैंने चार picture लिया है तभी picture profile लिया है description के नीचे वहाँ पे जाके आप लोग picture download कर सकते हो वो picture है आप लोग देख लीजिए यहाँ पे अलग अलग सीन का अलग अलग स्टाइल का मैंने पिक्चर्स लिया है सो यू हैव एस यू कैन सी लुक कोकोनट्स विल रिमूव एनीथिंग आई विल शो यू वन बाय वन सो फर्स्ट आई एम शोइंग एच टूल दैट विल बी मी रिमूव एनीथिंग इफ यू जस्ट शो यू हाउ टू यूज दैट I'm selecting this tool and select which one you want to remove. लोगों कौन सा चीज रिमूव कर रहे हैं उसको सिलेक्शन कर लीजिए प्लस टूल यूज करने प्लस टूल का कंट्रोल जे प्रेस कर सकते हैं जे प्रेस करना है सॉरी उसके बाद एरिया को सब्जेक्ट को सिलेक्शन करने के बाद ड्रैग एंड डाउन करना है बैकग्राउंड पे ड्रैग एंड डाउन करना है जैसे कि लगे रियली रिमूव हो रहा है हम लोग कर देते हैं और कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद फिर दूसरा जगह पे सिलेक्शन यहाँ पे छूट गया है थोड़ा सा इसको सिलेक्शन कर लेंगे जहाँ पे छूटा है फिर से वही कर सकते हैं टूल लेके सिलेक्शन करके ड्रैग एंड डाउन कर लेते हैं ऐसा भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं मैंने फोर टूल्स बताया है उनमें वो लोग वो टूल्स भी सेम ही वर्क करते हैं सिमिलर वर्क करते हैं इसलिए मैं डिफरेंट पिक्चर में डिफरेंट टाइप से दिखाने वाला हूँ तो नाउ अभी हम लोग जाएंगे कंटेंट अवेयर टूल इसमें क्या रहता है इसमें भी सेम ही और क्या लेकिन इसमें डिफरेंट है टू वर्जन में आया है इसमें मैं सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने वाला हूँ और सेलेक्ट करने के बाद ये सब्जेक्ट को कॉपी भी करता है और उसका रिप्लेस भी और रिमूविंग भी कर देता है अभी देख लीजिए मैं उसके बाद मैं इंटर प्रेस करने वाला हूँ वहाँ पे ऊपर साइड पे राइट क्लिकिंग दिखा रहा है राइट क्लिकिंग का ऑप्शन दिखा रहा है उसमें क्लिक करने के बाद आप देख लेना है ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है जो फर्स्ट पिक्चर जहाँ पे था वो वहाँ से सब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा देख लीजिए वहाँ से रिमूव हो गया लेकिन दूसरा जगह पे हम लोग के पास पिक्चर है अभी भी हम लोग फोटो कुछ एडिटिंग करने लग जाते हैं तो कुछ एरिया वहाँ पे चाहिए कितना बार कटअप कर सकते हैं इसके लिए सिलेक्शन करके हम लोग वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं टूल का कंटेंट अवेयर टूल का वर्क यही है तो और दूसरा टूल मैं बताने वाला हूँ हीलिंग ब्रश टूल बोलते हैं इसमें भी एक मतलब बैकग्राउंड सैंपल लेके हम लोग पर ब्रश का राइट साइड पे क्लिक करोगे तो आप लोग को दिखा देगा ये कैसा वर्क करता है बोल के बैकग्राउंड पे हम लोग जाके उसमें क्लिक करना पड़ेगा ठीक है कोई भी एक सैंपल लेके उसको ड्रैग और ब्रश करना है हम लोग जैसा पेंटिंग में पेंट ब्रश के बारे में कितना वीडियो डाला है ब्रशिंग के बारे में भी वैसा ही करना है इसमें भी सिर्फ सैंपल लेना है ब्रश डालना है सैंपल लेना है इसे वहाँ पे ड्रैग करना है सैंपल लेना है ड्रैग करना है जैसे जैसे आप सैंपल लेंगे पिक्चर गायब होता ही जाएगा अगर सैंपल अच्छी तरीके से आप लोग ले है तो पिक्चर भी रियलिस्टिक लगेगा और कोई भी बोल नहीं सकेगा यहाँ पे कोई कुछ रिमूव किया हुआ है बोल के इस ब्रश का खासियत यही है देख सकते हैं मैं इसमें थोड़ा वीडियो को स्किप करने वाला हूँ क्योंकि थोड़ा ये टूल प्रॉपरली वर्क करता है और इस टूल का और बेस्ट है ज़्यादातर अभी 2019 सीसी में है ये सब सीसी में तो मैं अपडेट न्यू विजन में आया है तो थोड़ा टाइम लग सकता है मैं वीडियो स्किप करने वाला हूँ
Now yes, you can see finally ये video editing sorry picture remove हो चुका है, तो थोड़ा time लगता है इस ये tool use करने के लिए, so आप थोड़ा time लेके use कर लीजिए। और last tool मैं बताने वाला हूँ, healing brush tool बोलते हैं, healing brush tool भी बहुत useful है कि हम लोग कोई भी picture अगर मतलब unnecessary picture में सब्जेक्ट को रिमूव करना पड़ेगा तो हम लोग ये ब्रश मतलब एक टूल को यूज कर सकते हैं। ये टूल सिंपली कोई सब्जेक्ट रिमूव करने के लिए ही किया जाता है। सो मैं इसमें का ये है, सो इसको मैं रिमूव करके दिखाने वाला हूँ। इसमें आर्ट प्रेस करते हुए कुछ करना पड़ता है क्योंकि सैंपल लेना पड़ता है, फर्स्ट सैंपल आर्ट प्रेस करके सैंपल लेके सब्जेक्ट में प्रेस करना है हम लोग को, सिर्फ ब्रशिंग करना है सब्जेक्ट में ब्रश है। तो मैं सैंपल ले लिया है और ब्रश करते हुए सैंपल ले रहा हूँ और ब्रश मैं सब्जेक्ट पे ब्रशिंग कर रहा हूँ। आप लोग देख लीजिए, अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो फिर सैंपल ले लीजिए, फिर उसी जगह पे ब्रश कर दीजिए तो सब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा। कुछ टूल ऐसा है जो कुछ काम करने के लिए आसान करते हैं, जैसे कि शॉर्टकट्स भी है, मतलब बहुत सारा शॉर्टकट ऐसा है कि हम लोग कोड करने का टाइम पे शॉर्टकट्स बन जाता है। वैसा ही जे प्रेस करने से हीलिंग टूल्स ये सब टूल्स कंटेंट वाला टूल्स सब निकल जाते हैं। देख लीजिए अभी प्योर मतलब सब्जेक्ट रिमूव हो चुका है कोकोनट्री, ऐसा ही करके आप लोग सब सभी रिमूव कर सकते हैं, अननेसेसरी पिक्चर को भी रिमूव कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। अगर आप मेरा चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।